मैं रविंद्र मंगल। आज हम यूनिट में जो प्रीफिक्स लगते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। पहले तो अपन देखें यूनिट किसकी होती है, किन चीज़ों की होती है। तो अगर अपन थोड़ा फिजिक्स के बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी कुछ फंडामेंटल होती है, कुछ डिराइव्ड होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 2 सब्सिडियरी हैं जिनको हमें, और बाकी की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सब आगे डिराइव्ड होती हैं। अब हर फंडामेंटल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए एक यूनिट दी जाती है। यूनिट को जो जनरली 3 तरह के सिस्टम चलते हैं, CGS, FPS और MKS। आजकल ज़्यादा MKS, यहाँ पे M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकेंड। ये तीनों लेंथ, मास और सेकेंड की यूनिट के रूप में जाने जाते हैं। जनरली इन सब यूनिटों, जैसे ही अपन इस यूनिटों को काम में लेते हैं तो कई बार इनके आगे कुछ प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। वो इन राशियों की क्वांटिटी को, बड़ा या छोटा को, एक नॉर्मल दिखने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन के लाइफ टाइम के बारे में बात करनी है तो हम नैनो सेकंड के बारे में बात करते हैं, है ना। और अगर हमें, अगर एक सैटेलाइट को अर्थ से स्पेस के अंदर जाने की काम करनी है तो इट मे टेक मिलियंस ऑफ सेकंड। तो इन सब चीज़ों को छोटा करके एकदम अच्छा बताने के लिए हमें कई प्रीफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जनरली ये प्रीफिक्स जो होते हैं वो मैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स 10 की पावर्स में जनरली काम में आते हैं। जो डेसिमल सिस्टम होता है उसमें 10 की पावर में काम में लेते हैं। तो इसमें 10^1 होता है, 10^3 काम में लिया जाता है, 10^3 काम में लिया जाता है, 10^6 काम में लिया जाता है, 10^9 होता है, 10^12 होता है, 10^15 है, और ऐसे 18 तक और आगे भी काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से जब माइनस में चले तो -1, -2, -3, -6, -9, -12 और -15 अपन जनरली काम में लेते हैं। मैंने कहा था और भी इसके आगे भी अपन चल सकते हैं, मगर जो ज़्यादातर काम में आते हैं वो ये चीज़ें काम में आती हैं। तो हमें इनका सिंबल और इनको यूज़ करने का तरीका काम में आना चाहिए, जिससे कि हमें यूनिट को कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैं कुछ सिंबल के बारे में बता रहा हूँ जो कि अपने प्रीफिक्स के रूप में जो काम में आती है। तो 10^-1, जो 10^-1 है उसको डेसी कहते हैं, और इसका जो सिंबल है वो है स्मॉल डी। सबसे पहले जो मैं काम में ले रहा हूँ वो ये काम, फिर मैं बढ़ते हुए क्रम में बाद में काम में लूंगा। 10^ उसके बाद में जो काम में लिया था वो लिया था 10^-2। पहला वाला था डेसी, दूसरा है सेंटी। 10^-2 है सेंटी और इसका सिंबल है स्मॉल सी। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे अपन काम में लेते हैं 10^-3। 10^-3 का मतलब मिली और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एम है। तो हमें ये सिंबल और ये जो उसका वेटेज है साथ में जो लगाया था प्रीफिक्स है वो सब पता होने चाहिए। इसी तरीके से जो नेक्स्ट काम में आता है 10^-6 काम में लेते हैं, इसको माइक्रो काम में लेते हैं और इसका सिंबल है म्यू। तो 10^-1 डेसी हो गया, 10^-2 सेंटी हो गया, 10^-3 मिली हो गया, 10^-6 माइक्रो हो गया। इसी तरीके से 10^-9 और 10^-12 मैं एक बार यहां तक ही लूंगा, फिर अपन और आगे बढ़ा सकते हैं, पर एक बार अपन इसको काम में लेंगे। तो 10^-9 होता है नैनो। आजकल का नैनो का जमाना है, हर कोई नैनो को बारे में बात करता है, पर नैनो का मतलब होता है 10^-9। 10^-9 का वेटेज भी हमें पता पड़ना चाहिए। इसका मतलब है 1/ और उसमें 1 के आगे 9 जीरो लगे। 9 जीरो का मतलब होता है 100 करोड़। तो अगर इसका मतलब है 1/100 करोड़ जो होगा वो नैनो होता है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है वो है एन। सब स्मॉल के अंदर काम में आते हैं, ये काम में आएगा। इसी तरीके से 10^-12 है, उसको हम कहते हैं पिको और इसका सिंबल है स्मॉल पी।
तो एक तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो माइनस के अंदर जो पावर्स होती हैं उनके जो सिंबल्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ऑलवेज स्मॉल लिखे जाते हैं। ये सबसे जो पहली चीज है ध्यान रखने की बात है वो ये है। तो एक बार इसको जस्ट रिकलेक्ट करता हूँ, 10^-1 होता है डेसी, 10^-2 होता है सेंटी, 10^-3 होता है मिली, और इसका सिंबल है स्मॉल एम, 10^-6 माइक्रो, 10^-9 है नैनो, 10^-12 है पीको। ये चीजें बहुत छोटी दिख रही है अपने को कि अपने को क्या बात करें, मगर बहुत सारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं से सॉल्व होती है, और किसी भी डेटा को लिखने में बहुत आसानी होती है जब अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं।